नमस्कार, स्वागत है आपका। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होने जा रही हैं। बधाइयों का तो दौर शुरू हो ही चुका है, लगभग 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अब, जबकि दुनिया में ये हलचल मची और दुनिया में ये हलचल मची तो बधाइयों का तांता लग गया। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगातार बधाई दे रहे थे और इस दौरान दो बधाइयों की तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। पहली बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसका जिक्र हर ओर हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिस तस्वीर को चुना वो भी बेहद दिलचस्प थी, क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, इन मामलों के खिलाड़ी हैं वो। और ऐसे में उन्होंने न सिर्फ कमला हैरिस को लेकर बल्कि जो ट्वीट उनका जो बाइडेन को लेकर था वो भी बहुत दिलचस्प था। खासतौर पर उस तस्वीर को याद करना कि जब वो बतौर उपराष्ट्रपति बराक ओबामा, जो कि उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनके साथ भारत आए थे, तब उस लम्हे की एक तस्वीर को साझा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के साथ, और उन्हें अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ दोनों देश अब किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत छोटी सी टिप्पणी की है। लेकिन इन सारी बातों से इतर दिलचस्प हो जाता है इमरान खान का ट्वीट पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान जो इस वक्त पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, ये तकरीबन 25 नवंबर या 15 नवंबर 2018 की एक रैली है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो देश जो हम पर हमला करने की सोचता था वो दिन दूर नहीं जब ये देश कटोरा लेकर दर दर भटकता फिरेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे। और इन शब्दों के बाद अब वो स्थिति आ गई है जब बीते दिनों सऊदी अरब का जो कर्ज है उसको लौटाने की बात हो रही है, $2 बिलियन, मतलब एक एक नए पैसे के लिए तरसता पाकिस्तान $2 बिलियन का कर्ज वापस लौटाने की सोच भी कैसे सकता है, ये फिलहाल मेरी समझ से तो परे है। आप लोग अगर कुछ रास्ता जानते हो तो जरूर कॉमेंट कर बताएं। फिलहाल उनके ट्वीट की तरफ आपको ले चलता हूं, क्योंकि बातें ऐसी ऐसी की हैं जिनसे उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। मतलब वो पता है क्या कह रहे हैं आपको, वो ये कह रहे हैं कि वर्किंग विथ हिम टू एंड इल्लीगल टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टील्थ ऑफ नेशंस वेल्दी बाय करप्शन की वो बात कर रहे हैं। वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क विद US फॉर द पीस इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में शांति बनाने को लेकर बात कर रहे हैं, और रीजन में भी, यानी वो देश जो सैयद सलाउद्दीन को अपने यहाँ बैठा कर रखता है, हाफिज सईद को, और इसके अलावा उसामा बिन लादेन की तस्वीर तो हर किसी को याद है, ऑपरेशन नेपचून स्पेयर जो चलाया था US नेवी सील्स ने, और वहाँ पर उसामा बिन लादेन को जो बाकायदा पूरी की तरह जो रानीमो एक नाम दिया गया, कोड वर्ड नाम था, और उसके बाद उसको मार कर वहाँ से ले जाया गया, ये एबटाबाद की घटना, और इसके साथ साथ हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, कितनों के नाम लिए जाएँ, हर कोई हर किसी की पनाह वही है। रावलपिंडी से लेकर कराची, कराची से लेकर मुजफ्फराबाद, कहीं भी चले जाइए आपको ये सारे लोग मिल जाएंगे जिनका मैंने जिक्र किया है। तो वो इमरान खान नियाजी बात कर रहे हैं पीस इन अफगानिस्तान एंड इन द रीजन विथ US, करप्शन की बात कर रहे हैं, टैक्स को लेकर के बात कर रहे हैं, मतलब शर्म तो आती ही नहीं है। और शर्म आए भी तो फिर देखिए इस ट्वीट को देखिए ज़रा, जिसको लेकर के मतलब हंसी आती है मुझे ये सब पढ़ते हुए, और इमरान खान इन सारी चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। खैर, इमरान खान वही है, वो पाकिस्तान है, कभी सुधरने वाला नहीं है। हाँ, बातें ऐसी ज़रूर करेगा जिससे ये दिखाएगा दुनिया को कि भैया हमसे बड़ा परोपकारी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल सच हर कोई जानता है यार, आप लोग भी सच अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं, अमेरिका भी सच अच्छे तरीके से जानता है। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, और इसी वजह से चीज़ें सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। फिलहाल वो एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पर ही फोकस रखता हूँ। इमरान खान का ये ट्वीट दुनिया में इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इमरान खान ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका सच से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सीधी बात कही है जिसको लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी अपने आप बनती जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी इमरान खान का ये ट्वीट हास्यास्पद लगा है तो ज़रूर बताइए, कुछ कॉमेंट आप भी कीजिए, कुछ हमने भी किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।